आदित्य और झनक को लेकर अनिरुद्ध को हुई गलतफहमी। अनिरुद्ध की नकली शादी का सच आया झनक के सामने। गुरुजी झनक को बताएंगे उसकी माँ का असली सच। स्टार प्लस के शो झनक के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर शो को लेकर एक बहुत अच्छी छोटी सी पार्टी रखी गई है। यहाँ पर सभी कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, सबके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स भी हैं। झनक काफ़ी कोशिश करती है कि वो वहाँ ना जाए, लेकिन गुरुजी और आदित्य दोनों मिलकर उसे मना लेते हैं। यहाँ पर आदित्य और झनक एक साथ पार्टी में एंटर करते हैं, जिसे देखकर अनिरुद्ध को काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होती है। वो अपने आप में मन में बातें करता है कि झनक क्या कमी रह गई थी, मेरे बस में जो कुछ भी था सब कुछ किया तुम्हारे लिए, लेकिन तुम इतनी खुदगर्ज हो गई, अपना करियर बनाने के लिए तुम इतनी नीचे गिर गई कि तुम मुझे भूल गई और आगे बढ़ गई। तो वहीं झनक को भी ऐसा लगता है कि अर्शी और अनिरुद्ध की शादी नहीं हुई है, ये शादी नकली है। यहाँ पर अनिरुद्ध के पास जाते हैं गुरुजी झनक के बारे में बात करने और उसे बताते हैं कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, एक लड़का और एक लड़की दोस्त भी हो सकते हैं। अनिरुद्ध और गुरुजी के बीच में झनक को लेकर काफ़ी बहसबाजी होती है, जहाँ पर गुरुजी खुलासा करते हैं कि झनक यहाँ पर पूरी तरह अकेली है, उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, आगे वो अपनी लाइफ में क्या करेगी, इस बात को लेकर मैं बहुत कंसर्न हूँ, तुम्हें क्यों नहीं लगता कि तुम्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए, उसकी माँ का सच मैं जल्द उसे बताऊँगा। अनिरुद्ध कहता है कि तुम्हें उसकी माँ का सच उसे कैसे बताना है, कब बताना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि झनक के सामने ये सच्चाई कैसे और कब आती है। आने वाले एपिसोड को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।